जालौन काल पी कोतवाली पुलिस ने पकड़े दो बाइक चोर। थाना डोगी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मौलवी कला के उपग्राम नगला बेहड़ के जल प्रभाव और गंदगी भरा निर्माण न होने से गांव में भारी गंदगी का अंबार है, जिसके चलते ग्रामीणों को संक्रामक रोगों का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बहुत सारे किसान अपनी अपनी समस्याओं को लेकर हुए बात। रामपुरा क्षेत्र जलौन जिले में नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निर्मा में हिडन वृक्षारोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में वृक्षारोपण किया गया। राजनंद 2 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट किया अमकारी विभाग। शहर कोतवाली पुलिस का सफाया अभियान जारी, अलग अलग मामलों में दर्जनों से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बजरंग दल ने बीएसपी के नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लगाए मुहाबाद के नारे। थाना सिरसा कला राज सीओ जालौन सुबोध गौतम द्वारा अर्थवास्तविक थाने का निरीक्षण किया गया। मक्सी 25 किलो चंदन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार व दूसरा हुआ फरार। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि शुद्ध कायाकार के लिए वृक्ष का होना अति आवश्यक है। कुशीनगर के बीएसएफ कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार की पोल खुलती, शिक्षिका वैनन इन्हें सैल्यूट का कम से कम, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। चित्रकूट में मॉडल स्कूल में प्रधानाध्यापक व शिक्षकों द्वारा किया जा रहा वृक्षारोपण। पुलिस की टोलियों के साथ स्कूली बच्चे करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड। ब्लॉक पिहानी के अरुहा ग्राम मजरा 18 की, जहां ना तो प्राथमिक विद्यालय में शौचालय है और ना ही कोई सुविधा। बलिया में जयराम सिंह ने बताया कि जो लोग मानसिक तरीके से ठीक नहीं होते वे लोग हरे पेड़ों की कटाई करते हैं। मऊ शहर के समीप ग्राम पाताल पानी में 9 अगस्त 2019 को विश्व आदिवासी दिवस पर सामाजिक कार्यकर्ताओं व धरती माता के रंग के झंडे लेकर रैली का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री व अमित शाह को शुभकामनाएं के बधाई दी गई। वाराणसी में नगर आयुक्त व जीएम का फूका गया पुतला। पीहेवा नाम चर्चा घर में मनाया गया गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म दिवस। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को